जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे टाटा IPL 2023 का, जो कि दोस्तों ये मुकाबला गुजरात टाइटंस बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच ये मुकाबला खेला जाएगा। फ्रेंड्स इसमें फैंटेसी टिप्स क्या हैं, पिच रिपोर्ट कैसी है, टीम में कोई अपडेट तो नहीं हुआ है, लास्ट में मैं आपको अपनी फैंटेसी टीम भी देने वाला हूँ। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, वीडियो लास्ट तक जरूर देखना फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो पर एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर देना फ्रेंड्स। आप लोगों का प्यार और समर्थन मिलता रहता है तो काफ़ी अच्छा लगता है फ्रेंड्स। जो हमारा फाइनल अपडेट होगा, फाइनल टीम होगी, आपको टेलीग्राम पर मिलेगी। तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए फ्रेंड्स, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी फ्रेंड्स, आप वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ। सबसे पहले बात करता हूं फ्रेंड्स इस मैच में, तो बता दूं दोस्तों इस मैच में 50,000 रुपये का फ्री गिफ्ट भी रखा गया है। तो अभी तक भी आपने पॉसिबल 11 ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी से जाइए पॉसिबल 11 ऐप को डाउनलोड कर लीजिए फ्रेंड्स, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से पॉसिबल 11 ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं फ्रेंड्स। अगर आप फर्स्ट रैंक लाते हो तो आपको 5,000 रुपये का, एंड सेकंड रैंक लाते हो तो आपको 2,000 रुपये का फ्री गिफ्ट दिया जाएगा फ्रेंड्स। तो जल्दी से जाइए पॉसिबल 11 ऐप को डाउनलोड कर लीजिए फ्रेंड्स। पहले बात करता हूँ मैच वेन्यू की, तो दोस्तों बता दूँ ये मुकाबला नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद इंडिया में दोस्तों ये मुकाबला खेला जाएगा। बात करता हूँ यहाँ की पिच रिपोर्ट की, तो दोस्तों बैटर्स के लिए पिच फायदेमंद रहने वाली है दोस्तों। हालांकि स्पिनर्स को भी इस पिच पर दोस्तों फायदा मिलेगा। जो एवरेज स्कोर आया दोस्तों इस पिच का 170 आया। नेक्स्ट फ्रेंड बात करता हूँ यहाँ की वेदर रिपोर्ट की, अहमदाबाद का जो टेम्परेचर रहने वाला है अराउंड 33 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहने वाला है। जिस दिन मैच होगा फ्रेंड्स 5 किलोमीटर/आवर की स्पीड से हवा। नेक्स्ट फ्रेंड बात करता हूँ नरेंद्र मोदी स्टेडियम के अभी तक की स्कोर रिकॉर्ड की, तो दोस्तों टोटल मैच 10 खेले गए हैं। बैटिंग पहले करने वालों ने 6 मुकाबले जीते हैं और बॉलिंग पहले करने वालों ने 4 मुकाबले जीते हैं दोस्तों। परसेंटेज की बात करूं, बैटिंग फर्स्ट बॉल 60% एंड बॉलिंग फर्स्ट बॉल 40%। जो फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर आया वो 160 रहा है और सेकेंड इनिंग का जो एवरेज स्कोर आया 137 रहा है फ्रेंड्स। हाईएस्ट टोटल अभी तक का स्टेडियम का रिकॉर्ड रहा है 234 दो विकेट के साथ रहा है, एंड लोवेस्ट टोटल 66 रन 10 विकेट के साथ। हाईएस्ट चेज जो स्कोर आया 166 तीन विकेट के साथ रहा है, एंड लोवेस्ट डिफेंडेड 107 सात विकेट के साथ फ्रेंड्स। नेक्स्ट फ्रेंड बात करता हूँ गुजरात टाइटंस की प्लेइंग 11 की, तो सुमन गिल, रिद्धिमान शाह, साई सुंदरम, हार्दिक पांड्या जो कि दोस्तों कप्तान है गुजरात टाइटंस के, डेविड मिलर, राहुल तेवतिया, राशिद खान, मोहम्मद शमी, जसुआ लिटिल, यश दयाल एंड एलजारी योस। दोस्तों आप ये प्लेइंग 11 देख सकते हो जो कि गुजरात टाइटंस की प्लेइंग 11 है। नेक्स्ट फ्रेंड बात करता हूँ कोलकाता नाइट राइडर्स की प्लेइंग 11 की, तो वेंकटेश अय्यर, रमुल्ला गुरबाज, मनदीप सिंह, नीतीश राणा जो कि दोस्तों कप्तान है KKR के, रिंकू सिंह, आंद्रे रसल, शार्दुल ठाकुर जो कि पिछले मैच में दोस्तों इनका बेस्ट परफॉर्मेंस देखने के लिए मिला था, सुनील नारायण, टीम साउदी, उमेश यादव एंड वरुण चक्रवर्ती का भी दोस्तों पिछले मैच में बेस्ट परफॉर्मेंस देखने के लिए मिला था। नेक्स्ट फ्रेंड बात करता हूँ ड्रीम 11 प्रेडिक्शन की, तो दोस्तों गुजरात टाइटंस जो कि ज़्यादा मजबूत दिखाई पड़ रही है, इसके जीतने के चांसेस ज़्यादा बनेंगे फ्रेंड। जो आप अपनी फैंटेसी टीम में सबसे ज़्यादा प्लेयर पिक कर सकते हैं वो आप गुजरात टाइटंस के अपनी फैंटेसी टीम में दोस्तों सबसे ज़्यादा प्लेयर पिक कर सकते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट फ्रेंड बात करता हूँ टॉस प्रेडिक्शन की, आज का टॉस है वो कौन जीत सकता है। अकॉर्डिंग टू द पॉसिबल 11 एक्सपर्ट टॉस प्रेडिक्शन, आज का टॉस है गुजरात टाइटंस टॉस जीत सकती है और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला कर सकती है फ्रेंड्स। बात करता हूँ मैच एक्सपर्ट एडवाइस की, तो दोस्तों राशिद खान को एज अ स्मॉल लीग में आप कैप्टन सेलेक्ट कर सकते हैं, आपके लिए बेस्ट चॉइस रहेंगे, एंड मोहम्मद शमी को दोस्तों एज अ ग्रैंड लीग में आप कैप्टन बना सकते हैं। दोनों ही आपके लिए एज अ कैप्टन स्मॉल लीग एंड ग्रैंड लीग आपके लिए दोनों खिलाड़ी बेस्ट रहेंगे फ्रेंड्स। बात करता हूँ हेड टू हेड मुकाबले की, तो दोस्तों गुजरात टाइटंस एक हेड टू हेड मुकाबला जीता है, कोलकाता एक भी हेड टू हेड मुकाबला नहीं जीता। नेक्स्ट फ्रेंड बात करता हूँ टॉप फैंटेसी पिक्स की, तो दोस्तों आप कैप्टन सुमन गिल को बना सकते हो एंड वाइस कैप्टन दोस्तों आप राशिद खान को बना सकते हो फ्रेंड्स। विकेट कीपर में आप रमुल्ला गुरबाज को सिलेक्ट कर सकते हो फ्रेंड्स। बैटर्स में आप साई, नीतीश राणा और डेविड मिलर को दोस्तों आप सिलेक्ट कर सकते हो। ऑलराउंडर में दोस्तों हार्दिक पांड्या और शार्दुल ठाकुर को दोस्तों आप सिलेक्ट कर सकते हो। बॉलर्स में आप लिटिल एंड वरुण चक्रवर्ती और मोहम्मद शमी को दोस्तों आप सिलेक्ट कर सकते हो, आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेंगे ये टॉप फैंटेसी पिक्स। नेक्स्ट फ्रेंड बात करता हूँ गुजरात टाइटंस के कुछ मुख्य खिलाड़ी की, जिनको आप अपनी फैंटेसी टीम में दोस्तों जरूर सिलेक्ट कर सकते हो। रिद्धिमान शाह, हार्दिक पांड्या, डेविड मिलर, राशिद खान, मोहम्मद शमी, अलजारी जोस पे दोस्तों आप ये मुख्य खिलाड़ी देख सकते हो जो कि गुजरात टाइटंस के मुख्य खिलाड़ी हैं, जिनको आप दोस्तों अपनी फैंटेसी टीम में जरूर सेलेक्ट कर सकते हो, आपके लिए बेस्ट चॉइस रहेंगे ये खिलाड़ी। नेक्स्ट फ्रेंड बात करता हूँ कोलकाता नाइट राइडर्स के कुछ मुख्य खिलाड़ी की, जिनको आप दोस्तों अपनी फैंटेसी टीम में जरूर सेलेक्ट करिए, आपके लिए बेस्ट चॉइस रहेंगे ये खिलाड़ी। रमुल्ला गुरबाज, नीतीश राणा, आंद्रे रसल,
शार्दुल ठाकुर जो है दोस्तों पिछले मैच में इनका बेस्ट परफॉर्मेंस देखने के लिए मिला था, बल्लेबाजी साथ ही में गेंदबाजी भी। सुनील नारायण को दोस्तों आप सिलेक्ट कर सकते हो। वरुण चक्रवर्ती जो कि दोस्तों पिछले मैच में अच्छे विकेट लिए थे दोस्तों इन्होंने। नेक्स्ट फ्रेंड बात करता हूँ कैप्टन एंड वाइस कैप्टन चॉइस की, तो दोस्तों सुमन गिल को एज अ वाइस कैप्टन आप अपनी स्मॉल लीग टीम में सिलेक्ट कर सकते हो। रोमुल्ला गुरबाज को एज अ कैप्टन आप अपनी स्मॉल लीग टीम में भी सिलेक्ट कर सकते हो दोस्तों। हार्दिक पांड्या को एज अ वाइस कैप्टन आप अपनी ग्रैंड लीग टीम में सिलेक्ट कर सकते हो, अच्छे ऑलराउंडर हैं दोस्तों। आंद्रे रसल इनको एज अ वाइस कैप्टन आप अपनी ग्रैंड लीग टीम में दोस्तों इनको भी सिलेक्ट कर सकते हो, आपके लिए बेस्ट चॉइस रहेंगे ये। राशिद खान को दोस्तों एज अ कैप्टन आप अपनी ग्रैंड लीग में भी दोस्तों सिलेक्ट कर सकते हो। सुनील नारायण को दोस्तों एज अ वाइस कैप्टन आप अपनी स्मॉल लीग टीम में एंड ग्रैंड लीग टीम में भी दोस्तों इनको एज अ कैप्टन ट्राई कर सकते हो फ्रेंड्स। नेक्स्ट बात करता हूँ अपनी ड्रीम इलेवन टीम की, तो दोस्तों विकेट कीपर में मैंने रिद्धमान शाह और रोमुल्ला गुरबाज को सिलेक्ट किया है फ्रेंड्स। बैटर में मैंने सुमन गिल, साई रिंकू सिंह को सिलेक्ट किया है फ्रेंड्स। ऑलराउंडर में मैंने हार्दिक पांड्या, आंद्रे रसल और सुनील नारायण को सिलेक्ट किया है फ्रेंड्स। बॉलर में मैंने राशिद खान, शार्दुल ठाकुर और मोहम्मद शमी को दोस्तों मैंने सिलेक्ट किया है। कैप्टन एंड वाइस कैप्टन की बात करूं तो कैप्टन मैंने सुमन गिल को बनाया और वाइस कैप्टन दोस्तों मैंने सुनील नारायण को अपनी फैंटेसी टीम में बनाया है फ्रेंड्स। जो भी हमारा फाइनल अपडेट होगा आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फर्स्ट कमेंट में लिंक आपको मिल जाएगी, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं फ्रेंड्स। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो पर कर दीजिए एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट, ऐसे ही आपके लिए फैंटेसी टीम प्रेडिक्शन लाता रहूँगा। तो आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना ताकि आने वाली प्रेडिक्शन वीडियो आपको सबसे पहले पहुँचे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।